Excellent. Okay, okay. Ma'am, so how was the movie? Excellent. What do you like to say about the performance of Prabhas and Shraddha? It's too good. Too good. Must watch. Okay, what do you like to say about the action sequence in the movie? See, I'm not a very action fan, but I like Prabhas. For him, I came for the movie. And it suits his character. He's done full justice. Okay, how much time do you like to be out of 5? 5 out of 5. Thanks a lot. बवाल भाई एक नंबर है फुल एक्शन ही एक्शन है ओके तो परफॉर्मेंस की बात करें तो कैसी लगी श्रद्धा अबे फुल उड़ाते इस गुल ओके एक्शन सीक्वेंस कैसा लगा जो एक्शन था मूवी के एक्शन फुल तोड़फोड़ मचाओ था भाई सर तो अभी आपको मूवी देखी कैसी लगी हां देखा बहुत हिट है बहुत अच्छी मूवी है बहुत अच्छा लगा मेरे को और कपल की बात करें प्रभास और श्रद्धा पहली टाइम नजर आ रहे कैसी लगी केमिस्ट्री बहुत एक्शन है इसमें एक्शन भी बहुत हिट था सब देख के एकदम दिल खुश हो गया एक्शन की बात करें तो कैसी लगी एक्शन एकदम दमदार बहुत ज्यादा कितना स्टार देना चाहिए पांच में से कितना स्टार देना चाहिए पूरा 5 और 5 सर 10 देंगे उसको डबल देंगे थैंक यू सर तो अभी आपको मूवी देखी कैसी लगी साहब या वेरी नाइस ओके परफॉर्मेंस की बात करें श्रद्धा और प्रभास की कैसी लगी या इट्स वेरी गुड ओके मैम आपको कैसी लगी मूवी आपने अभी सुपर्ब माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस की बात करें श्रद्धा और प्रभास की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको गुड ए न्यू पेयर that everybody will watch in future again maybe okay aapko lagta hai bahubali ka record tod sakta hai ye sir ha obviously maybe it's a good movie everybody should watch it okay kitna star dena chahiye 5 out of out of 5 it's for me it's 5 I really love the movie डायरेक्शन सुजीत का बहुत अच्छा लगा उनकी जैसे देखा जा रहा है कि दूसरी मूवी है तो उस हिसाब से बहुत बड़ी बजट की फिल्म है तो उस हिसाब से इनका बहुत अच्छा रहा एक्शन थ्रिलर और उस बीच बीच में रोमांस भी बहुत अच्छा तो ओवरऑल बहुत गुड ओके 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहिए हां मेरी तरफ से 5 ओके थैंक यू लास्ट कवर फुल लास्ट कवर आगे बढ़ो लास्ट कवर रेडी रोल है क्या बोला बहुत अच्छी फिल्म थी हॉलीवुड टाइप फिल्म थी और प्रभास सर का एक्शन भी अच्छा था उसमें एक सीन था चैपमैन का वो बहुत अच्छा था मतलब चैपमैन रहता है ऊपर से प्रभास सर के पीछे आता है ऐसा केमिस्ट्री की बात करें श्रद्धा प्रभास की कैसी लगी जो तुमने मस्त थी ओके कोई फेवरेट सॉन्ग आपका उसमें जो अच्छा लगा हो बैड बॉय ओके कितना स्टार देना चाहिए 5 out of 5 ओके आपने अभी साहू मूवी देखी कैसी लगी आपको साहू मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे ऐसा फील आया जैसे मैं कोई हॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ ओके एक्शन सीक्वेंस और जो ग्राफिक जो यूज किया उसके बारे में क्या कहना चाहिए जो मूवी में यूज किया गया ग्राफिक मतलब बहुत ही अमेजिंग ग्राफिक है और इस मूवी को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब बॉलीवुड का फ्यूचर और हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही अच्छा आने वाला है क्योंकि इन लोगों ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं ग्राफिक इतना अच्छा बनाने में तो बहुत मजा आया मतलब ये विजुअली बहुत ही अपीलिंग फिल्म थी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़नी चाहिए डेफिनेटली तभी हम सब लोगों को और फिल्म इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा बट बाहुबली ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया था वो तोड़ना बहुत मुश्किल है बट साहू ही एक ऐसी मूवी है जो तोड़ सकती है बाकी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मूवी अभी आने वाली है और मैं 4 out of 5 दूंगा मैं एक स्टार में इसलिए डिडक्ट कर रहा हूँ थोड़ा स्टोरी में थोड़ा सा जैसे बाहुबली की बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी थी इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा सा बोरिंग था स्टोरी वाइज बाकी विजुअल वाइज इट वाज आल्सो अपीलिंग तो 1 स्टार बस उसके लिए डिडक्ट करेंगे थैंक यू ओके जश्न आपने साहू मूवी देखी कैसी लगी आपको बहुत मस्त मूवी है देखनी चाहिए पैसा वसूल मूवी है ओके केमिस्ट्री की बात करें श्रद्धा और प्रभास की फर्स्ट टाइम नजर आ रही कैसी लगी श्रद्धा और प्रभास की बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई है इसमें और एक्चुअली प्रभास की ज़्यादा मेन रोल है इसमें ओके कोई फेवरेट सॉन्ग जो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो मेरा सैया साइको वो वाला ना ओके कितना शायद देना चाहिए 4.5 थैंक यू चलो रोल ओके जस्ट नाउ आपने मूवी देखी साहू को कैसी लगी आपको बहुत ही अच्छी मूवी है ब्लॉकबस्टर है ओके परफॉर्मेंस की बात करें या केमिस्ट्री की तो फर्स्ट टाइम प्रभास डेब्यू कर रहे हैं बॉलीवुड में तो कैसी लगी आपको हां वो जब भी कुछ भी अपना काम करते हैं बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर देते हैं तो वो वैसे ही है अभी भी मतलब रिकॉर्ड टूटने ही वाले हैं 350 crores इट विल बी नथिंग अहेड ओके रिकॉर्ड की बात करें तो क्या हम कह सकते हैं बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकता है होप सो सैया सॉन्ग इट वॉज वेरी एंजॉयबल एंड द लव सॉन्ग बिटवीन श्रद्धा एंड प्रभास इट वॉज वेरी लवली फोर
सर आपने जस्ट नाउ मूवी देखी साहू, तो कैसी लगी आपको? अच्छा लगा। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें, प्रभास की डेब्यू मूवी है बॉलीवुड में, तो क्या कहना है? प्रभास का डेब्यू मूवी बॉलीवुड में नहीं है ना, बाहुबली भी आया था, बट ये तो बाइलिंगुअल है, उतना ही है। तो कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? हां अच्छा अच्छा, प्रभास का डबिंग भी अच्छा किया है वो, मेरे को लग रहा है कि प्रभास खुद किया है लग रहा है, लेकिन अच्छा किया है। ओके, केमिस्ट्री की बात करें श्रद्धा और प्रभास की, प्रभास और श्रद्धा का केमिस्ट्री अच्छा है, लेकिन क्या बोलेगा, अगर श्रद्धा के जगह पे कोई दूसरा होता तो मेरे को थोड़ा और अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभास जैसा एक स्टार, श्रद्धा अच्छा नहीं है ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभास जैसा एक मैचो मैन को थोड़ा मैच करने के लिए कोई दूसरा जैसा चाहिए, अनुष्का जैसा नहीं तो काजल अग्रवाल ऐसा ऐसा कोई है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं एक महीना यूएस और कनाडा में था, तो मैंने मिशन मंगल मिस कर दी और मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे उसका रिव्यू देने का मौका नहीं मिला, और ये साहू फिल्म भी कुछ उसी पीरियड में रिलीज़ होने वाली थी, तो ये आगे इसकी रिलीज डेट आगे हो गई तो मुझे अच्छा लगा, और इसका मैंने ट्रेलर कनाडा में देखा था, तो ट्रेलर के साथ काफ़ी बड़ा एक पोर्शन दिखाया गया था वहाँ पे मिशन मंगल के टाइम पे, तो एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला था वहाँ की, क्राउड इतनी इम्प्रेस हो गई थी। तो प्रभास की माइथोलॉजिकल ड्रामा के बाद अभी ये बाहुबली 1 और 2 के बाद ये मूवी के लिए वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मूवी, और मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत पसंद है, इट्स एन एक्शन थ्रिलर, तो बहुत अच्छे स्टंट्स हैं, बहुत अच्छे एक्शन सीन्स हैं। लोगों को अगर ये फिल्म थोड़ी सी एवरेज इसलिए लगी कि ये थोड़ी ड्रैग हो गई है, तो एडिटिंग के पे ध्यान दिया जा सकता था, क्योंकि साउथ में बनी है तो एडिटिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया गया, बट जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं, एक्शन सीन्स हैं, बहुत एंटरटेनिंग है। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है दोनों की, प्रभास तो आई थिंक ईच एंड एवरी फ्रेम एक्शन सीन्स में उनकी टक्कर का, आई थिंक रजनीकांत के बाद वो अभी साउथ में काफ़ी ऊपर आएंगे एक्शन सीन में, क्योंकि बाहुबली बहुत अलग टाइप की फिल्म थी, तो इस तरह की यू नो सफिस्टिकेटेड किरदार में ही इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट, ही इज़ द मेन कैरेक्टर साहो, तो वो उसे अपने कंधों पर लेके इतने अच्छे से उन्होंने अपना रोल निभाया, तो बहुत मज़ा आया देख के। बेस्ट पार्ट मुझे जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस हैं, स्टंट्स हैं, बहुत अच्छे लगे, और उनके जितने भी रोमांटिक सीन्स हैं श्रद्धा कपूर के साथ, वो अच्छे लगे। ओके, 5 आउट ऑफ कितना स्टार देना चाहेंगे? 3.5।